गोरखा हित सर्वोपरि। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं असम से भारतीय गोरखा युवा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे बहुत पुराने मित्र नंद किराती देवान। देवान जी, सबसे पहला प्रश्न, ये पाताल लोक में रावण जैसा काम कैसा कर दिया इन्होंने? नमस्कार दीपक जी, वीर गोरखा वेब टीवी में आपने फिर हमें बुलाया और अपने विषय को, गोरखा जाति के विषय को उपस्थापन करने के लिए आपने पुनः मौका दिया। इस बार बृहद अलग एक समस्या है, हमें ये क्रिएटिव वर्ल्ड जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इन्होंने हमें फिर बदनाम करने का प्रयास किया है। मैं इसलिए फिर बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी ऐसे कुछ घटनाएं घट चुकी है, आपको ज्ञात होगा। अब बेसिकली ये जो पाताल लोक की कहानी, इसमें तीन लोक की बातें, इसका इनोग्रल एपिसोड में कहा गया है, एक स्वर्ग लोक होता है, एक धरती लोक होता है, एक पाताल लोक होता है जहाँ कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, इस टाइप की स्टोरी कहते कहते जाके एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की जो मेघालय से बिलोंग करती है, कैरेक्टर में मेरी लिंग दो नाम दर्शाया गया है, उसके पास ढेर सारे रुपये मिलते हैं, रुकड़ा मिलता है, रुपया मिलता है, डॉलर्स मिलता है, तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलती है कितना रुपया तेरे पास है, हा? तू वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, तो वो जो वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है, मैं यूज़ नहीं करती और उसमें नेपाली भाषी नेपाली शब्द को यूज़ करके लिंग्विस्टिक ग्रुप, नेपाली लिंग्विस्टिक ग्रुप जो गोरखा है, क्योंकि पूरा प्लॉट, कहानी का प्लॉट इंडिया है और मेघालय को दर्शाया गया है, कहानी का प्लॉट इंडिया में है, इसके चलते ये पूरे जो घटनाक्रम है वो इंडिया को दिखाया गया है, इसके चलते डायरेक्टली ये इंडिकेट किया गया है कि ये भारतीयों के लिए किया गया है, भारतीय नेपाली भाषियों के लिए किया गया है, यहाँ के गोरखाओं के लिए किया गया है और बेसिकली टारगेट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और ये जो बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, इस बेल्ट के लोगों को टारगेट किया गया है। और यही पाताल लोक में रावण की कहानी, ये पेंडेमिक के समय में अनुष्का शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इस कहानी में अमेजॉन प्राइम सीरीज में हुआ है। इसका हम भारतीय गोरखा युवा परिसंघ, भारतीय गोरखा परिसंघ के युवा जो विंग है, उसका मैं युवा अध्यक्ष होने के नाते इसका घोर विरोध करता हूँ, इसका वेहेमेंटली कंडेम करता हूँ और हमने इसके विरोध में एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया है जिसका लिंक आप भी शेयर कर दीजिएगा, ढेर सारे लोगों इसको साइन करें। मैं हर्षित हूँ कि हमने पिछले 24 घंटा में 5000 लोगों ने ऑलरेडी साइन कर चुका है। आशा रखता हूँ वीर गोरखा वेब टीवी के व्यूअर्स भी हमसे जुड़ेंगे, इस चेंज पिटीशन में साइन करेंगे। आपको लगता नहीं कि इस तरह की वेब सीरीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो एक तरह से हम आज़ादी देते हैं, वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष, एक कहीं जाति विशेष को लेके लगातार टिप्पणी, ऐसे सख्त जो नेपाली भाषी महिलाएं हैं उनको इस तरह का टारगेट बनाया जाना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के भी महिलाओं का अपमान करना, आप क्या मानते हैं कि अनुष्का शर्मा खुद महिला होके इस तरह के कार्यक्रम कैसे बना सकती है? दीपक जी, जैसे पहले मैंने कहा आपको, इसमें जो तीनों लोगों की कहानी में पाताल लोक की कहानी कही गई है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी है, ये फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिएटिविटी के नाम पे, या तो इन परसुइट ऑफ एक्सेलेंस, एंटरटेनमेंट एक्सेलेंस, यू कैनॉट, आप किसी भी कम्युनिटी को स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करती है। एक तो, या आप चाहे इसमें पहले ही डिस्क्लेमर डाल दीजिए कि यहीं कहीं कम्युनिटी के आघात करने का दिल नहीं है, किसी वर्ग विशेष को आघात करने, फिर भी क्यों ना, कि आप देखिए कभी भी धूम्रपान की सीन दिखाया जाता है तो नीचे डिस्क्लेमर लिखा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर आपका स्क्रिप्ट डिमांड भी करती है वो चीज़ को, आप उसमें डिस्क्लेमर डाल दीजिए, ऐसे चीज़ों को, गंदा अभद्र भाषा को म्यूट कर दीजिए। यहाँ पर तो आप वेश्यावृत्ति की बात जब स्क्रिप्ट में था तो ये डिमांड नहीं करती है कि वो गोरखाली होनी चाहिए, वो नॉर्थ ईस्टर्न ही होनी चाहिए, वह वो कोई लिंगदो होना चाहिए, वह कोई नेपाली होना चाहिए या कोई नेपाली भाषी होना चाहिए, ये स्क्रिप्ट नहीं डिमांड करती है। जिस तरह से आपने देखा है नंद जी कि वेब सीरीज में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज को लगातार टारगेट किया जाता है लंबे समय से, बॉलीवुड हो या किसी भी तरह की चीज़ें हो,
उसमें हम लगातार मार खाते हैं हमारे अपमान को लेकर। चौकीदार रेडी जो कि हमें कह देता है कि हम तो वेटर है, बेरा है, इस तरह की तमाम चीजें लगातार आती है। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज को किस तरह से इसको लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने दीपक जी। मुझे ये जो विषय है, इससे पहले फ्लिपकार्ट की इशू आई थी जिसमें ऐड में उन्होंने गोरखाओं को चौकीदार का नज़रिया से दिखाया गया था। उसमें भी हम युवाओं ने, भारत के गोरखा के लोगों ने, भारतीय गोरखा परिसंघ ने कदम उठाई और एक समय में जाकर ऐसा हुआ कि बिनी बंसाल जो फ्लिपकार्ट के CEO थे, उन्होंने अपोलॉजी मांगा भारत के गोरखाओं के साथ और उस ऐड को ड्रॉप किया था, जहाँ तक मुझे याद है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बंधु इन्वॉल्व थे, भारतीय गोरखा परिसंघ के हमारे नेतृत्व इन्वॉल्व थे। इससे पहले भी प्रशांत तामंग का केस, जब वो इंडियन आइडल बने थे, तब कोई आरजे ने कोई नाम हुआ, एक आरजे ने बता दिया कि वो तो वेटर है, ये गोरखाज वेटर है। अब अगर ये वेटर्स और ये दूध का बिजनेस करने वाले, दूध खिलाने वाले लोग, वेटर वाले लोग और चौकीदार वाले लोग अगर गाना उना गाने लग गए तो हम जैसे क्रिएटिव आदमियों को, सिंगर्स का क्या होगा, इस टाइप का बात उनका कहना था, जो बिल्कुल गलत है। तब सिनारियो अलग था, ये 2006-07 का बात है प्रशांत तामंग का, और 2014-15 में भी ये 15 के आगे का बात है ये फ्लिपकार्ट का। उस समय में प्रशांत तामंग टाइम अवेयरनेस जनरेट हो नहीं पाई, फिर भी वी सक्सेसफुल्ली उसको हमने कैंपेन किया, तब मैं भी इन्वॉल्व था उस कैंपेन में, फिर फ्लिपकार्ट के कैंपेन में भी हम सब इन्वॉल्व हुए। अभी जो हुआ है इसमें तो सारा देश एक साथ जुड़ गया है, इसका नेतृत्व में यदि भी भारतीय गोरखा युवा परिसंघ है, जो भारतीय गोरखा परिसंघ का युवा संगठन है, लेकिन हमने सबको साथ में लेकर इस कैंपेन को चलाया है। हमारा ऑनलाइन पिटीशन ही इसका एक एग्जांपल है और बहुत सारे लोगों ने हमें रेस्पॉन्ड दिया है। अब करना क्या है कि हमारे जितने भी गोरखा संघ संस्थाएं हैं, एक साथ आकर मुहिम को आगे बढ़ाना है। किसी ने अगर लीड लिया है, हमने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, कोई FIR दर्ज कराए, कोई कोर्ट केस के लिए आगे बढ़ के आए, तो इस तरह से एक चर्चा हो रही है। और बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आज के दिन में हमारे पास नेशनल नेटवर्क है, गोरखाओं की नेशनल नेटवर्क है, युवाओं की नेशनल नेटवर्क भारतीय गोरखा युवा परिसंघ है। भारतीय गोरखा परिसंघ ऑलरेडी भारत का गोरखा का नेशनल नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हमने यूज़ किया है, जहाँ तक जितने भी जगह जगह के संघ संस्थाएं हैं, वो अपने जगह पर अपना रोल निभाए नेशनल नेटवर्क करने के लिए हमें सौंपे, और इसको जो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने के लिए हम एक साथ होकर काम करना हमें इम्पॉर्टेंट है। ये एक बार हुआ, ये तीसरा बार और फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इस मुसीबत को ही ख़त्म करना है। अब इस मुसीबत ख़त्म कैसा किया जा सकता है, इसके ऊपर आपने सवाल किया था। इसका एकमात्र उपाय गोरखाओं का बास भूमि का बात है। ये जहाँ नेपाली वर्ड यूज़ किया गया है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि अनुष्का शर्मा खुद पंजाबी है, उसका हस्बैंड भी पंजाबी है, क्या वो सेम वर्ड पंजाबी को आगे डाल के कर सकती थी? नहीं, क्योंकि एक पंजाब एक स्टेट है, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग, पंजाबी वर्ग के लोग उसको नहीं छोड़ते। तो हम लोग, क्योंकि हमें हमारा ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता जैसा बनाया गया है गोरखाओं को, इसी के चलते हमें इजी टारगेट बन गए हैं। हम अब से किसी का इजी टारगेट नहीं बनेंगे। इस टाइप का स्टेरियोटाइपिंग, इस टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल प्रोफाइलिंग में गोरखा कभी इजी टारगेट अब से नहीं बनेगी। भारत का नेशनल नेटवर्क का गोरखाओं को हम इस्तेमाल करेंगे और बुलंद आवाज उठाएंगे, जब तक कि इस तरह से करने वाले लोग या कोई भी ग्रुप हो, कोई भी हो, कितना चाहे वो कितना ही शक्तिशाली लोग हो, कोई भी हो, हम उसे नहीं बख्शेंगे। भारत के गोरखा एक साथ होकर लड़ेंगे, इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। देखिए नंद जी, आपसे देखिए समय कम है, अंत में ये पूछना चाहेंगे कि पूरी जो गोरखा संस्था है उनको आगे आके किस तरह से काम करना चाहिए, और आप भारतीय गोरखा युवा परिसंघ इस पूरे मामले में क्या करने जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो पूरे इश्यूज है, अगर हमारे एक बास भूमि होती, अगर गोरखालैंड हमारे साथ होगी, हम नेपाली भाषी जो लोग हैं,
जो गोरखा भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम लोग जो है, जो गोरखाज है, जो भारत में 10.5 मिलियंस है, हम उसे कनेक्ट कर सकते थे इस इश्यूज में। गोरखालैंड के चीफ मिनिस्टर हो या गोरखालैंड के प्रशासन हो, वो बोलते, हमारे पास एक शक्ति होती, या तो एक बासभूमि होने के चलते हम इतना इजी किसी का टारगेट, सॉफ्ट टारगेट नहीं बनते। तो आने वाले दिनों में हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी बासभूमि की समस्या ख़त्म हो। 2020 हो गई, अब 2022 की टारगेट लेकर चलना है कि बाई 2022 हमारे गोरखालैंड हो, और इस तरह का जो भी सॉफ्ट टारगेट है हम फिर ना बने। आपने एक सवाल किया कि भारतीय गोरखा युवा परिसंघ एक संस्था के आधार पर आप इसको कैसे आगे ले जाएंगे। हमने अपने आपको बता ही दिया कि हमने डिमांड रखा है, डिमांड में कहा है कि कैटेगोरिकली कहा है कि पुट ऑन स्क्रीन डिस्क्लेमर, जैसा मदिरा पान या जैसा धूम्रपान करते वक्त दिखाया जाता है कि इस इंजूरियस टू हेल्थ, वो आपका सीन जहाँ था शूटिंग जैसा हुआ था रखिए, लेकिन वो उसको म्यूट कर दीजिए। एक तो म्यूट करने के बाद वहाँ पर क्षमा याचना कीजिए गोरखा कम्युनिटी के साथ और नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी के साथ कि यह गलत नज़रिए से दिखाया गया, हम क्षमा चाहते हैं। जो आपका सबटाइटल का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है, तेलुगु ट्रांसलेशन है, जिस भी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट किया था, वो ट्रांसलेशन को हटाइए या तो ब्लर कर दीजिए। ब्लर करने से ठीक रहेगा, क्योंकि वो जाना जाएगा कि वहाँ ब्लर किया था, कुछ गलत लिखा था तो ब्लर किया था, उसको आप ब्लर करके कीजिए। और अनकंडीशनल अपोलॉजी, अनकंडीशनल अपोलॉजी भारत के गोरखाओं के साथ, नेपाली भाषियों के साथ और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी के साथ, अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन हाउस को, अनुष्का शर्मा स्वयं को, अमेजन को मांगनी ही पड़ेगी। ये हमारी डिमांड है और इसको आगे लेने के लिए हमने एक समय सीमा बांध दिया है, 3 दिन से 1 हफ्ता दिन तक अगर वो हमें रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो भारतीय गोरखा युवा परिसंघ इसको लीगल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए अपने लीगल टीम चर्चा में है। हमें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बात का भी जानकारी आपके शो में और वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से भारत के गोरखाओं को और नॉर्थ ईस्टर्न, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे खास बात क्या है कि आपके चैनल हिंदी में है, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी भी इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि भारतीय गोरखा युवा परिसंघ इसको क्या कह रहे हैं, और उनका भी हम साथ, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे इस केस में। देखिए नंद जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक अपमानजनक चीजें हुई है, इस चीज को रोक लगाने के लिए तमाम तरह के गोरखा संगठन को भी लगातार आगे आना चाहिए। ये लगातार एक बनी बात है कि हम लोगों को कम से कम अपनी चीजों को, अपने विरोध को सामने रखकर नेशनल मीडिया के सामने आना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे लोगों को इस तरह के गलत आरोप लगाते हुए मीडिया में नकारात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। आपको क्या लगता है, अंत में क्या कहना चाहेंगे अगर अनुष्का शर्मा ये कार्यक्रम देख रही है तो? ये मुहिम चलाते वक्त हमारी टीम, हमारे भारतीय गोरखा युवा परिसंघ की जो टीम है, इस टीम ने इसको जांचा, पड़ताल किया, इसको पहले एपिसोड को देखा गया, इसको सेकेंड एपिसोड से कैसे कनेक्ट किया गया है, यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड करके एपिसोड है, इसमें स्क्रिप्ट कहीं भी ये जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, भाषिक विशेष को ऐसा दिखाना चाहिए, ऐसा स्क्रिप्ट डिमांड नहीं करती है। फिर भी अगर आपने इस चीज़ को आपको दिखाना है तो ऐसा ऑन स्क्रीन आपको डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, और जाति विशेष का नाम तो आना ही नहीं चाहिए, वो जो वृत्ति विशेष उस चीज़ को दर्शाया जाना चाहिए था, उससे और कुछ नहीं है। वहाँ ढेर सारे डॉलर्स मिले, ये डॉलर्स आपके पास कहाँ आया, तुम्हारे पास कैसे आया, ऐसे वो इंटरोगेटिंग ऑफिसर पूछते वहाँ तक पहुँच गया कि चीज़ें कि आप फॉरेनर्स के साथ धंधा करती है, इस टाइप का पर्टिकुलर ऐसा अभद्र डिस्गस्टिंग वर्ड यूज़ किया जिसको हमें सभ्य भाषा में हम दोहरा भी नहीं पाएंगे। इसी के चलते ये पटिशन हमने शुरू किया, क्योंकि इसको नॉट जस्ट गोरखाज या नेपाली भाषियों को, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, सिक्किम और ये जो सिलीगुड़ी का बेल्ट का जितने भी हमारे लोग मेनलैंड इंडिया में काम करते हैं, मेनलैंड इंडिया में जो बहुत सारे संख्या में है, उन लोगों को स्टेरियोटाइप किया गया है। इस तरह का जो स्टेरियोटाइपिंग के चलते हमारे लोगों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर
पोटेंशियल रेपिस्ट का क्यों अटैक नहीं हो सकता है? ये एनकरेज करेगी इस टाइप की मानसिकता के लोगों को, और उसी तरह से देखी जाएगी। जो लोग इसको देखेंगे ये समझेंगे कि यू नो नॉर्थ ईस्टर्न के लड़कियाँ, दार्जिलिंग के लड़कियाँ इसी टाइप की होती है, इसलिए दिखाया गया था। और कमिंग फ्रॉम समवन लाइक अनुष्का शर्मा, सच अ एक्टर, यू नो, एंड हर बैकग्राउंड, यू नो, एंड ऑल्सो हर रिलेशन विद द इंडियन क्रिकेट टीम, विच इज द क्रिकेट विच इज लाइक अ यू नो अ फीवर इन इंडिया, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। एंड अनुष्का शर्मा मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस, हर प्रोडक्शन टीम शुड अपोलोजाइज, यू नो द अमेजन शुड अपोलोजाइज। एंड जो डिमांड हमने रखा है अपनी पिटिशन में कि पुट अ यू नो डिस्क्लेमर, ऑन स्क्रीन डिस्क्लेमर इसकी इस विषय में, आप अपोलोजाइज कीजिए गोरखा कम्युनिटी के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी के साथ, कि ये चीज़ को हटाए, वो जगह को म्यूट कीजिए, म्यूट करने के बाद फिर उसको रीलोड कीजिए, इसको एक बार पुल डाउन कीजिए। आपने 15 मई को आपने अपलोड किया था, इसको पुल डाउन कीजिए और फिर अपलोड कीजिए सेकंड एपिसोड 2 को, ये डिस्क्लेमर लगा के म्यूट कर। आपका जो वहाँ पर जो स्क्रिप्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो सबटाइटल्स है, सबटाइटल्स को भी ब्लर कर दीजिए, जो यूज़ हुआ है ब्लर कर दीजिए। ये डिमांड लेके हमने ऑनलाइन पिटिशन शुरू कर दिया है और हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है। मैं आपको बोल के हर्षित हूँ कि 24 घंटे में ही हमें 5000 सिग्नेचर्स मिल गया है, 15000 लोगों ने इसको देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, और करीब करीब 3500 लोगों ने इसको शेयर किया है, तो इस द कैंपेन इज रिसीविंग गुड, यू नो, थ्रू आउट द नेशन वी आर रिसीविंग गुड रेस्पॉन्स। We look forward to it from all score of people, from rest of the nation. नंद जी, आप हमसे जुड़े और आपने काफी अच्छी तरह से हमें पूरे वाक्य से हमारा रूबरू करवाया, और आप विरोध कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सफलता मिले इसकी हम उम्मीद करते हैं। वीर गोरखा वेब टीवी से आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।